सभी को जय श्रीमन्नारायण। कुंभ नगरी प्रयागराज में माघ मास में लगने वाले माघ मेले में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। गंगे तव दर्शनार्थी मुक्ति, गंगा माँ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है, परंतु माघ मास में यदि व्यक्ति यहाँ पर आकर के गंगा स्नान करे, साधु संतों का दर्शन करे, कथा प्रवचन का आनंद उठावे, अपने जीवन को कृतार्थ करने हेतु जो मोक्ष दायिनी माँ गंगा हैं यहाँ पर डुबकी लगावें और संतों का आशीर्वाद स्नेह प्राप्त करें। मैं स्वामी चंद्र प्रकाशाचार्य मुंबई महाराष्ट्र से द्वादश श्री वैष्णो आश्रम संचालन करता हूँ और विगत कई वर्षों से माघ मेले में मैं यहाँ पर अनवरत शिविर लगा रहा हूँ। हमारे शिविर में समाज में व्याप्त आज के देश में जो कोरोना नामक महामारी चल रही है उसके लिए यहाँ पर विष्णु सहस्र नाम पाठ का अनवरत यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, भंडारा चल रहा है, भगवान वेंकटेश की स्थापना है, पूजन अर्चन हो रहे हैं दोनों तरफ। जहाँ तक कोशिश किया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। बात रही कि प्रयागराज में आज जो यह माघ मेला इतने घोर संकट के बावजूद योगी सरकार ने यहाँ पर साधु संतों को एकत्र किया और व्यवस्थित ढंग से मेले को सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको। कम से कम भारत सनातन धर्म में धर्म रक्षक के रूप में आज उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है। एक विसंगति है देश में, धर्म और समाज के प्रति लोगों को जो एकत्रता थी उसको विघटित करने के लिए विदेशी ताकतें हमारे धर्म को बार बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमारा संत समाज आज जिस तरीके से संगठित हो रहा है और होने की आवश्यकता है, तभी हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म बचेगा। इसको बचाने के लिए सदैव साधु संत, हमारा धर्म संप्रदाय सदैव तत्पर रहा और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का पुरजोर प्रयास किया। उसी कड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के हम सब आभारी हैं कि हमारे धर्म रक्षा हेतु सनातन धर्म में आज जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई थी उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे कदम के साथ सरकार चला रहे हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।